है डीजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। कल शाम कलेक्ट्रेट में एडीएम नियाज अहमद खान का विदाई समारोह रखा गया। इस समारोह में सभी अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एडीएम का स्थानांतरण भोपाल सचिवालय में हो गया है। इस विदाई समारोह में एडीएम खान ने गुना में हुए अपने अनुभव सभी को बताए। वहीं कलेक्टर ने भी एडीएम खान द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। महसूस किया, चाहे मीडिया को ले लो तो मीडिया भी बहुत अच्छा है, यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी, यहाँ की काफ़ी आगे बढ़े कोऑपरेट करते हैं। तो पीछे मैं छतरपुर के अंदर भी रहा हूँ, बुंदेलखंड में ग्वालियर भी रहा हूँ। छतरपुर तरफ मैंने देखा कि जब थोड़ा किसी काम अपना करते इमीडिएटली एप्लीकेशन तैयार रखते हैं आपके ऊपर अगर काम नहीं होगा। लेकिन मैंने गुना पहले देखा कि कभी भी आपके ऊपर अगर आप कही है तो एक व्यक्ति आपके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं करता, ना कोई आरोप लगाता है। दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, प्रशंसा करते हैं। पहली बार इतने अच्छे लोग मैंने आप गुना में देखा, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट हुआ यहाँ के लोगों का। क्योंकि इसका ऐसा दौर यदि आप विंध्याचल तरफ चले जाएँ या चला, यदि आप किसी काम नहीं करेंगे तो आप ऊपर लोग मिल जाते हैं इमीडिएटली, आप उनकी छवि खराब करने के लिए कुछ भी आरोप लगाते हैं। तीसरी चीज़ आएगी कि जैसा सर ने कहा कि काम तो प्रक्रिया तो होता है, जब तक लोग रिटायर नहीं होंगे स्थान बदलते रहता है। लेकिन चीज़ें कुछ सिद्धांत अपने जीवन के अंदर होना चाहिए, जैसे गोयल जी ने बताया फाइल नहीं रहती है। तो जिस दिन मैंने सर्विस में आया हूँ, मैं शायद 5:30 के बाद तो कोई फाइल में कभी रखता नहीं अपने फाइल को, वरना कभी रुकता हूँ आधा घंटा 15-20 मिनट में। सर से मैंने पूछा, सर के पास जब देखा जो भी फाइल जाती है वो 10 मिनट में लौट आती है। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब के भी इस शैली से प्रभावित हुआ मैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम फाइलें रोक कर रखते हैं तो 2-3 दिन तक तो बहुत से लोग जरूरी काम उसमें होते हैं, वो भी पेंडिंग होते हैं। और जिस पर्पज से हमको यहाँ बैठाया गया कि जनहित के हम काम करें, जनता के चीज़ों को स्मूथली चलाएं, हमारा उद्देश्य भी वही है। और इसलिए इसको मैंने फॉलो किया 15-17 साल से। इसी प्रकार से जब सभी को बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद सर। और इससे पहले कि मैं सबको आमंत्रित करूँ, जैसा कि सबने कहा आनंद विभाग गया सर के साथ में बहुत सारी स्थितियाँ इसी तरीके के जो कार्यक्रम होता है, सुबह एकता की दौड़ या फिर पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम, उसमें सबका मार्गदर्शन। आज गुना में लोक अदालत में किया गया कई मामलों का निराकरण, जिसमें बैंक, नगर पालिका, विद्युत मंडल, मोटर दुर्घटना बीमा और अदालतों में चल रहे मामलों में निपटारा किया गया। जाम का टोकन में नेशनल लोक अदालत है, जिसमें हमारे यहाँ संपत्ति कर जलकर में जो बकाया सरचार्ज है वो सरचार्ज पूरी तरह से माफ है, और वसूली का कैंप लगा है। शासन से भी निर्देश है नेशनल लोक अदालत में छूट के, तो अधभार में छूट दी जा रही है, वसूली का कार्य जारी है। सर किसी के पास पूरे पैसे जमा करने के लिए अगर नहीं होते तो भी अधभार में छूट दे के आधा जमा करा लेंगे, आधा पैसा, आधा इससे कम नहीं है, आधा हो सकता है जमा है ना पूरा। आज विश्व निशक्त दिवस के मौके पर जिला स्तरीय निशक्त खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जो बच्चे ब्लॉक में जीतकर आए थे उन बच्चों ने भाग लिया। इसमें चित्रकला, एकल गायन एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए।
रावगढ़ के बमुरी के रास्ते में, तो वो जब तक आना ये शुरू करा दिया, लंच के बाद फिर अपन वो कराएंगे और गायन शाम को कराएंगे। ये प्रतियोगिता 6 से 14 आयु वर्ग के शाले जो स्कूलों में निशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं उनके, इसमें जिले के सब जिला स्तरीय है। जी विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ शाले निशक्त बच्चों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। इससे पहले हमारे विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी, उनमें जो बच्चे चयनित हुए थे वो आज यहाँ जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता करेंगे। तो इसमें हम यहाँ समर्थ यानी कि चित्रकला, एकल गायन और एथलेटिक्स जिसमें 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, गोला फेंक आदि प्रतियोगिताएँ हम कराएंगे। से 7 तारीख से चल रहे सामवेद यज्ञ का आज अंतिम दिन पूर्ण आहुति के साथ समापन किया गया। सामवेद यज्ञ आर्य समाज में पिछले 3 दिन से चल रहा था, जिसका आज अंतिम दिन था, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनों ने आहुतियां दी। अपने बच्चे को लेकर खड़ी है और क्या कहती है, ऊंची पहाड़ी पर बेटा ये सामने देख रहा क्या है, तो कहता मां किला है, अच्छा झंडा देख रहा है इस बार, और यहां माता का झंडा है, अरे बेटा ये तेरे बाप दादाओं का किला है और विदर्भियों का झंडा है, मैं चाहती हूँ प्रातःकाल होते होते अपना भगवान ध्वज फैला दे। बच्चे ने ये नहीं कहा, सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं कहा, बच्चा गया और युद्ध करके प्रातःकाल होते होते अपना भगवान ध्वज फैला देता है। बोलो क्या हो गया, मात्रा हो तो बोलो सम्मना हो गया कि नहीं हो गया, माँ ने जैसा सोचा वैसा बेटे ने कर दिया। अब आप जानना नहीं चाहोगे वो माँ कौन है, उस माँ का नाम है वीर माता जीजाबाई। क्या नाम है बोलो, बेटा कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने उस काल में भारत की आम मान शान के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। माँ ने कितना प्रयास में विचार करती है और गर्व से शिशु का इस तरह पालन करती है कि माँ के अंगूर कार्य करता है। आओ एक बेटे के बारे में और बताते हैं, एक बेटा उसको सेवका खिला रही है, एक बार वो उछालते उछालते हाथ पर नहीं आया, नीचे गिर गया और डर रही। स्थानीय भार्गव कृषि फार्म में दिनांक 9/12/2017 से 17/12/2017 तक संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कथा के भव्य शुभारंभ के मौके पर कलश यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से निकली, जिसमें जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्री राम कथा का वाचन श्री प्रेम भूषण जी महाराज के श्री मुख से होगा। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से कथा में पधार कर धर्म लाभ उठाने का आग्रह किया है।
मजदूर संघ ने किया बैठक का आयोजन। आज इस बैठक में जिला कार्यकारिणी के गठन एवं संगठन की कार्यकारिणी के परिचय हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय मजदूर संघ के जिले के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो जाते हैं, मैं एक बार उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होगा। हम लोग आपके इन बातों को भूलना याद रखेंगे। मैं अधिवक्ता हूँ, एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, लॉ फॉर अस, वी आर नॉट फॉर लॉ। यदि कभी कोई कानूनी दिक्कत हमारे व्यवहार में दैनिक दिनचर्या में आती है तो हम कानूनी पेचीदगियों के बीच में से ही व्यवहारिक रास्ता, आपने जिस तरफ इशारा किया था, कुछ पद ऐसे होते हैं जहां उनका पदेव कैप्टन उनके व्यक्तित्व पर भारी पड़ जाता है, गवर्नमेंट का। बहुत से प्रमुख बात यही है कि हमारी पर्सनल इमेज है वो हमारे पद पर डॉमिनेट है। आज भारतीय मजदूर संघ की बैठक थी, उसमें भारतीय मजदूर संघ के सभी अनुसांगिक संगठनों के साथ जो भारतीय मजदूर संघ की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है, उस जिला कार्यकारिणी की घोषणा हेतु एवं जिला कार्यकारिणी के परिचय हेतु सभी अनुसांगिक संगठनों के साथ आज भारतीय मजदूर संघ की बैठक थी। इस बैठक में सभी कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हुए हैं। केवल परिचय बैठक इसको कहा जाएगा, बाकी आगे भारतीय मजदूर संघ के कार्य को गति दे ऐसी सभी से अपेक्षा की गई है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में युवा कांत्री रथ का गुना जिले में हुआ प्रवेश। गायत्री परिवार के मीडिया प्रभारी सुनील सेन ने बताया कि भारत में 4 युवा क्रांति रथ रवाना किए गए हैं, जिसमें एक रथ जो द्वारकाधीश से नागपुर के लिए निकला है उसका गुना में प्रवेश हुआ, जिसका म्याना एवं भदौरा में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। वहीं गुना में इसका स्वागत गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ द्वारा किया गया एवं रथ यात्रा की पूजन एवं आरती की गई। वहीं गायत्री महिला मंडल द्वारा 1008 दीपों की भव्य आरती की गई। इस यात्रा में नशे के दुष्परिणामों पर एक 50 मिनट की फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। अरे अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो लड़के आएंगे कहां से और अपने लल्ला का ब्याह करोगे किससे? न जाने कब समझेंगे ये मूर्ख लोग। डीजी आनंद न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।